इंडिया गठबंधन के सांसदों के निलंबन पर सुपौल में इंडिया गठबंधन के द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया, जिसका नेतृत्व कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रोफेसर विमल यादव, जिलाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यादव, राजद के प्रधान महासचिव भूप नारायण यादव, कम्युनिस्ट से सुरेश्वर सिंह ने संयुक्त रूप से किया। ये प्रदर्शन कांग्रेस कार्यालय से निकलकर सदर बाजार के विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए लोहिया नगर चौक पर सभा में तब्दील हो गया। इस मौके पर इंडिया गठबंधन के तमाम कार्यकर्ताओं ने भारत सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए आक्रोशपूर्ण मार्च की। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि संसद में भाजपा सरकार के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। संसद के इतिहास में आज तक इस तरह का दुर्व्यवहार विरोधियों के साथ कभी नहीं हुआ। ये भाजपा का घोषित आपातकाल है। संविधान की रक्षा के लिए आम जनता को सड़क पर आना होगा। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और देश भाजपा से मुक्त होगा। कि आज हम लोग का महागठबंधन की ओर से जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम रखा गया, लोहिया जी ने कहा था, हम लोग के नेता लोहिया जी ने कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज 141 सांसद का निलंबन, सिर्फ 141 सांसद का निलंबन ही नहीं, देश को के लोकतंत्र की हत्या है। ये चाहता है कि बिना विपक्ष के सरकार चलावे, शासन चलावे, और जो महात्मा गांधी की हत्या किया, आज वो महात्मा गांधी के फोटो पर माला पहनाता है। ये धोखाधड़ी वाली सरकार है, जनसंघ का वही रवैया है, देश की आज़ादी में उसका कोई योगदान नहीं है। जो कहता है कि हम आज सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त है, और जो राष्ट्रभक्त है जिसने आज़ादी दिलाई उससे राष्ट्रभक्ति का सबूत मांगता है। इस तरह की सरकार, इस तरह की पार्टी इस देश में जनता के साथ भी धोखा है, और 5 किलो अनाज पर लोग जो दिग्भ्रमित हो रहे हैं वो सबक ले ले कि जिस तरह से 3 महीने तक अंबानी के जियो के मार्फत फ्री कनेक्शन दे करके बाद में अधिक से अधिक पैसे वसूला जा रहा है, उसी तरह से ये 5 किलो अनाज दे करके दिग्भ्रमित करके वोट लेना चाहता है। और लोगों को इससे सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए हम सारे महागठबंधन के साथी गांव-गांव तक जाएंगे और कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को इस बात से अवगत करावेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आक्रोश मार्च महागठबंधन के, सोशल मीडिया का बाइक दे दियो जी। देश में अघोषित इमरजेंसी लागू करके नरेंद्र मोदी जी अपनी तानाशाही हुकूमत चला रहे हैं, उसके खिलाफ में आज का ये आक्रोश मार्च है। और कारण बिना कारण बताए लोकसभा से सैकड़ों सांसदों को निलंबन करने का काम किया है, जो अलोकतांत्रिक है और प्रजातांत्रिक है। और ये संसद में विपक्ष विहीन संसद चला करके नए नए कानून पास कराने का काम किया है, जो आम जनों के अहित में है, उनके हित की चर्चा न करे, इसीलिए इन सांसदों को लोकसभा से निकासित करने का काम किया है। ये बात हम नहीं कहते, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने कही है कि विपक्ष द्वारा सवाल पूछने के चलते इन लोगों को निकालने का, निष्कासित करने का काम किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की सांसद बोलती है। आम जन आज त्रस्त है, और इन लोगों को भटकाव में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ये सोची समझी साजिश के तहत जात पात का, ये कहीं से उपराष्ट्रपति का कोई जात नहीं होता है, लेकिन 2 दिन से जात पात का ये जहर होने का काम प्रारंभ किए हैं, जाट के वो बदनाम करने का। और जब जाट पर अत्याचार अन्याय होता है तो इनकी बोलती बंद रहती है, लेकिन सांसद में इनके ऊपर अगर कोई करता है, कोई कैरिकेचर करता है, तो इनके आघात पहुंचने का काम करता है। और जब नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी का कैरिकेचर लोकसभा में करते हैं, बड़े लोकसभा में, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। इन्हीं के खिलाफ में ये हम लोगों का ये आक्रोश मार्च इंडिया गठबंधन की तरफ से किया गया है, और ये मार्च जारी रहेगा, ये आक्रोश जारी रहेगा जब तक इस देश में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत कायम रहेगी, नरेंद्र मोदी जी गद्दी पर बने रहेंगे और अमित शाह जी का शासन
और उनके जो दो अडानी अंबानी का शासन चलेगा तब तक ये हम लोगों का आंदोलन जारी रहे। आक्रोश मार्च निकले आज इंडिया गठबंधन के द्वारा दिल्ली में लिए गए निर्णय के समर्थन में संपूर्ण देश के जिला मुख्यालयों पर इंडिया गठबंधन के साथियों द्वारा भारत सरकार की तानाशाही रवैये, अलोकतांत्रिक रवैये, विरोध की आवाज को दबाने की जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है उसके विरोध में हम लोग आज विरोध मार्च किए हैं। सरकार को आगाह करने के लिए, भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए, भारत सरकार अपनी हरकतों से बाज आवे, नहीं तो आने वाले समय में इंडिया गठबंधन के साथी मुंह तोड़ जवाब देके नरेंद्र मोदी की सरकार को दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। इसी के लिए हम लोग आज रैली किए। 37% की यह सरकार आज देश के 151 सांसदों का बहिष्कार नहीं की है बल्कि 65% मतदाताओं को संसद से बाहर निकाला है। आपको मालूम होगा कि 151 सांसद करोड़ों जनता की रहनुमाई करते हैं और प्रतिनिधित्व करते हैं और 37% की सरकार आज 67% लोगों को पार्लियामेंट से निकाल दिया। भ्रष्टाचार के नए कीर्तिमान को स्थापित करते हुए और एक नई अवस्था कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देते देते देश के सांसद से विपक्ष मुक्त भारत, लोकतंत्र से लोकतंत्र मुक्त भारत और नादिरशाही के नए आयामों को स्थापित करते हुए ये मोदी सरकार जिस तरीके से निरंकुश हुई है, इसे जो भी राजनीतिक पार्टकर्ता जो भी अंजाम देंगे, लेकिन आज बारी है उन जनताओं की, हमारे देश के आम जनताओं की जिनका 67 निलंबित किया है। निश्चित तौर पर हम इंडिया गठबंधन के लोग एक नई ताकत के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ अपने सारे विभेदों को मिटाते हुए हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कृतबद्ध हैं और हमारा ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा और इस तरीके से सारे कार्यक्रम संपादित